पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशन 1963। बात करते हैं यह चर्चा में क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस देने की बात कही है। पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशन 1963 के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन किया था। जासूसी के आरोप में मार्च 2016 में कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी हुई थी। पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। कुलभूषण जाधव को उनके अधिकारों की जानकारी नहीं दी गई थी, ना ही उन्हें काउंसलर ऑफिसर से मिलने का मौका दिया गया। बात करते हैं क्या है वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशंस 1963। 22 अप्रैल 1963 को यह कन्वेंशन अपनाया गया था। 19 मार्च 1967 से यह प्रभावी हुआ। 4 मार्च से 22 अप्रैल 1963 तक ऑस्ट्रिया के न्यू हॉफबर्ग वियना में आयोजित काउंसलर रिलेशन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में यह कन्वेंशन अपनाया गया था। राष्ट्रीयता के अधिग्रहण से संबंधित वैकल्पिक प्रोटोकॉल, विवादों के अनिवार्य निपटान से संबंधित वैकल्पिक प्रोटोकॉल, संपूर्ण अधिनियम और उस अधिनियम में संलग्न 3 प्रस्तावों को भी इस सम्मेलन ने अपनाया। 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच के काउंसुलर रिलेशन को यह अंतर्राष्ट्रीय संधि परिभाषित करती है। वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 36 पैरा 1 बी है, किसी भी विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें उनके देश की सरकार के प्रतिनिधि या स्थानीय दूतावास तक पहुंच मुहैया कराई जानी चाहिए। इस कन्वेंशन में कुल 9 आर्टिकल हैं। इसके कुल हस्ताक्षरकर्ता देश 48 जबकि पक्षकार 180 हैं। भारत और पाकिस्तान भी इस संधि के पंजीकरणकर्ता देश हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो किसी भी विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे उसके देश की सरकार के प्रतिनिधि अथवा स्थानीय दूतावास तक की पहुंच को काउंसलर एक्सेस कहते हैं। जबकि वह व्यक्ति जो एक राजनयिक नहीं है बल्कि किसी देश में एक विदेशी राज्य का प्रतिनिधि है और मेजबान देश में अपने देशवासियों के हितों के लिए काम करता है, कौंसुल कहलाता है।